मिश्री मैम, मिश्री, मिश्री, मिश्री सुनो, मिश्री। अर्जुन हमारा पीछा मत करो। तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा मिश्री, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी मिश्री। चिंता उनकी की जाती है जिनसे कोई रिश्ता हो, और हमारी तो बस डील थी। दिन में चार चार बार तो आप ही हमें बताते थे, अब खुद ही भूल गए। तो मुझे भूलने दोगी प्लीज? मैं देखो, कुछ बचा ही नहीं है अर्जुन। हमारा रिश्ता झूठ का था, झूठ पकड़ा गया। अब ये मतलब का रिश्ता अपने आप बेमतलब हो गया अर्जुन, समझे आप? अब जाने दो हमें। श्री, श्री। अर्जुन साथ छूट चुका है हमारा, अब चिंता में करना छोड़ दो प्लीज। और स्वामी जी के केस का क्या, वो भी छोड़ दूं? मिश्री, तुम्हारी जिद की वजह से मैं उन्हें उनकी पूरी जिंदगी जेल में बिताने नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ स्वामी जी का केस डिस्कस करना है, ऑफिस चलो प्लीज। मिश्री प्लीज मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं कि तुम अकेले ऑफिस आ सकती हो। मिश्री अगर मंजिल एक है तो साथ ही चलता है। हमारी मंजिल एक कभी थी ही नहीं अर्जुन, अब रास्ते भी बदल चुके। प्रताप, यशोदा, तमा जी, जी जी आप भी आइए। क्या क्या बात है माँ, क्यों बुलाया आपने? इनमें से एक कार्ड चुनना है, सोचा आप सबकी राय ले ले। कल्पना तू देख जरा। जी माँ। अर्जुन और अनु के ब्याह का न्योता, हाँ जी जी। क्या बुढ़िया, तू तो इस एज में भी सुपर फास्ट निकली। बस मेरी शादी करा दे, मैं तुझे बुढ़िया की जगह कमसिन कली बुलाने लगूंगी। माँ, अरे इनमें से अगर कोई कार्ड नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे डिजाइन मंगवा लेंगे। सैंपल तो आ जाएंगे, तुझे बुद्धि कभी नहीं आएगी। शादी सुधा पोते कभी आकर आएगी? वो शादी मजाक थी जी जी, तो तुझ पर हंसी आ रही है। बुढ़ा आ गई है पर इतनी अकल नहीं आई कि पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते और सुलझ जाते हैं, खत्म हो जाते, पर रिश्ता नहीं खत्म होता। कल्पना, अर्जुन और मिश्री के बीच में जो कुछ भी हुआ वो क्या छोटा मोटा झगड़ा था? सच्ची तो नहीं बता सकती माँ, तुम अकेली कहाँ जाओगी? मुझे तुम्हारे लिए कोई रहने का इंतजाम तो करने दो मिश्री। तुम पहले हम सब कुछ हैंडल कर लेते थे अर्जुन, अभी भी कर लेंगे। मिश्री तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया? अब तक नहीं समझे, अब जाके नंबर वन लॉयर हो भी? ताने मत तो मिश्री, जवाब दो। तो सुनो अर्जुन, हमारा जवाब, हमने आपको पहले दिन पे ही कहा था कि हम आपकी फैमिली को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, पर क्या हुआ अंत में? हमने सिर्फ उनको दुखी नहीं किया, हमने उनका भरोसा, उनका दिल सब कुछ तोड़ ताड़ के रख दिया। माँ, बड़ी दादी, अश्विन, ये सब हमारी वजह से रो रहे थे। माँ के आंसू तो अब तक सूखे भी नहीं होंगे, और आप चाहते हो कि हम उन्हें और दुख दें? उन्होंने बस हमसे एक चीज मांगी थी अर्जुन, कि हम आपसे दूर रहे, और आप चाहते हो कि हम उनकी ये बात भी ना माने। पूरी किस्मत तो बचपन से हमारे साथ चल रही है, हमें तो आदत है मगर बुरे कर्मों की पोटली उठाकर हम नहीं चल पाएंगे अर्जुन, इसीलिए प्लीज हमसे दूर रहो, हम जा रहे हैं। मिश्री देखो प्लीज, फाइन, जब दिमाग ठंडा हो जाना तब ऑफिस आ जाना। स्टुपिड गर्ल,
जी जी, अब कल्पना की खामोशी देखकर कुछ तो समझ जाइए कि अर्जुन और मिश्री का रिश्ता खत्म हो चुका है। भाई देखिए, अब तक अर्जुन ने अपनी मनमानी चलाई थी, लेकिन अब हमारी मर्जी चलेगी। अर्जुन ने मिश्री से रिश्ता जोड़कर एक गलती की थी, लेकिन अब वो शादी करेगा, और वो भी हमारी अनु से। ये हमारा आखिरी फैसला है। अगर किसी को आपत्ति है तो अभी बता दो। नानी, आप घर की हेड हैं, आप जो भी फैसला लेंगी वो मंजूर होगा। चुप, दांत ना दिखा। मुश्किल की बरसात देर सवेर थम जाती है, पर प्यार की नदियां को कभी कोई थाम सका है? बहुरानी, देखो, हमारा मन कहता है कि अर्जुन और मिश्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ पुन्नी, अर्जुन मिश्री बहुत बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। भाई जी जी, आप हमारी बड़ी हैं, आपकी तो क्या, हम तो आपके मन की बात भी मान लेंगे। अगर अर्जुन और मिश्री का प्यार वाकई सच्चा है तो हम उन्हें 3 दिन का वक्त देते हैं। 3 दिनों में अगर वो दोनों अपने झगड़े को सुलझा लेते हैं तो वो जीत जाएंगे। वरना अनु और अर्जुन की शादी के कार्ड पूरे शहर में बंटवा दिए जाएंगे। और उसके बाद मिश्री का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। हे माता रानी, 3 दिन में अर्जुन और मिश्री को पास ले आइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। मिश्री कहाँ रह गई?